जय हिंद साथियों। और साथियों, सबसे पहले तो अपनी सभी बहनों को, भाई बहन के इस प्यारे से त्यौहार रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर सभी बहनों को बहुत सारा प्यार, बहुत सारा आशीर्वाद है कि माता रानी की कृपा से हमारे साथ सारी बहनों का जो मनोकामना है, जो मेहनत कर रही है, दिन रात मेहनत कर रही है, पसीने बहा रही है, सभी का सपना सच हो। बात करते हैं, कल फिजिकल शुरू होने वाला है मध्य निषेध सिपाही भर्ती का। जैसा कि इससे पहले फिजिकल चालू हुआ था और एक दिन फिजिकल हुआ था ओनली फॉर लड़कियों का, अभी भी कुछ हमारी बहनों का फिजिकल बाकी है और साथ ही साथ हमारे सारे भाइयों का फिजिकल बाकी है 689 पदों के लिए। तो जितने सारे भाई अभी इस वीडियो को देख रहे हैं, जो भी बहनें देख रही हैं, आप सभी के उज्जवल भविष्य के लिए आने वाले दिनों में आपका फिजिकल है, कल से स्टार्ट हो जाएगा, ढेरों सारी शुभकामना बधाई है। मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा। देखिए, कल आपका फिजिकल है तो सबसे पहले तो आपको विशेष ध्यान फिर से आपको बताना चाहूंगा कि जिनका 22 तारीख का फिजिकल था, पूरा डिटेल्स बता रहा हूँ, 21 वाला फिजिकल हो चुका था, 21 तारीख का फिजिकल लड़कियों का ये फिजिकल हो चुका था, 22, 23 और ये 24 तारीख को फिजिकल था और ये फिजिकल डेट कैंसिल पोस्टपोन्ड हुआ था भारी बारिश की वजह से। हमने इससे पहले भी बता दिया था कि जब भी कोई नोटिस आता है, जब भी आपका फिजिकल लिया जाएगा, 3 दिन पहले कम से कम आपको बताया जाएगा। सेम वही हुआ और आपका 22 वाला जो फिजिकल है 31 तारीख यानी कल, फिर 1 तारीख और फिर ये 2 तारीख, थोड़ा सा ये 31 तारीख जो है कल है, कल फिर 1 तारीख और ये 2 तारीख। अभी हमारी कुछ बहनों का फिजिकल बाकी है और साथ ही साथ हमारे टोटल भाइयों का फिजिकल बाकी है, अभी लड़कों का कोई फिजिकल नहीं हुआ। तो ध्यान देने वाली बात यही है कि वही ग्राउंड रहेगा, लड़कों का 5 चक्कर, लड़कियों का 3 चक्कर। 5 चक्कर जो होगा लड़कों के लिए, आपकी ये जिंदगी बदल जाएगी, आपकी दशा दिशा, आपका इतिहास भूगोल सब बदल जाता है नौकरी लेने के बाद। दूसरा लड़कियों के लिए होता है 3 चक्कर। 3 चक्कर यदि आप लगाते हैं और जोश के साथ लगाते हैं, आपका भी सेम कंडीशन होता है जो लड़का लड़कियों का, जो एक बेरोजगारी का धब्बा लेके घूमे रहते हैं, तो वो आपका बेरोजगारी का जो धब्बा है वो मिट सकता है। ये 3 चक्कर में आप जान हथेली पे लेके भागिए, अपना पूरा दमखम लगा के भागिए, देखिए आपका सपना सच हो जाएगा। बाकी सीजन में भी आप लोग प्रैक्टिस कर ही रहे होंगे, यदि आपको सीजन में लगता है कि मैं ज्यादा नहीं कर पाता हूँ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, तो इतना जरूर जानिए कि प्रॉब्लम आपके साथ है तो सभी के साथ है, बाकी आप शॉर्टपुट में बेहतर करें। साथ ही साथ ग्राउंड बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं। अब रही बात कुछ डॉक्यूमेंट्स की, बात कर लेते हैं। देखिए, जितने सारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले सभी को मैं बोलूंगा कि आर्मी कार्ड के साथ साथ सिर्फ आधार कार्ड अंदर जाता है। दूसरा चीज, जैसे ही आप पास करके उधर से गेट पास लेके आप आते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए आप थोड़ा सा समझ लेंगे। सभी के लिए डोमिसाइल आवश्यक है, बाकी 12th लेवल की भर्ती होती है तो इतना जरूर जानिए कि मैट्रिक का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, प्रोविजनल है चल जाएगा, 12th का मार्कशीट, मूल प्रमाण पत्र, इतना तो कम से कम आपको चाहिए और आवासीय चाहिए। अगला चीज, आगे और कौन से कागज है, यदि आप जनरल कैटेगरी से तो आपको और कोई कागज नहीं देना, जनरल से फॉर्म डालें, EWS कैटेगरी वाले EWS सर्टिफिकेट लगाएंगे उसमें। आगे वाले जो अभ्यर्थी जो OBC कैटेगरी से आते हैं, जो BC से और साथ ही साथ जो EBC से आते हैं, EBC वाले अपना EBC का क्रीमिलियर नॉन क्रीमिलियर, OBC वाले OBC सर्टिफिकेट देंगे, ST SC वाले ST SC का ये अपना लगाएंगे। तो जितने सारे भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं, अपने कागजात का हर एक जीरोक्स पेपर आप लोग निकाल के रख लेंगे, एक एक जीरोक्स कॉपी उसका लगता है जैसे ही आपके पास गेट पास होगा तब, तो यही कागजात रहते हैं। अब यदि आपके किसी नाम में मिस्टेक है, चाहे किसी सर्टिफिकेट में या आपके किसी भी आर्मी कार्ड में कुछ भी, तो ज्यादा घबराना, चिंता करने की कोई बात नहीं, केवल डेट ऑफ बर्थ कैटेगरी आपका सही है, आपका सिलेक्शन तय है। तो एक बार पुनः जितने सारे भाई बहन का फिजिकल है आप सभी लोगों के लिए, तो खूब खाइए, मस्त रहिए, हम यही कहेंगे मस्त रहिएगा, आप स्वस्थ रहेगा, मानसिक रूप से यदि आप स्ट्रांग है आपका फिजिकल उस दिन बेहतर होगा, जो भी आपका ग्राउंड में टाइमिंग आता है उससे बेहतर तभी हो सकता है जब आप मस्त रहेंगे, दम हंसते खेलते रहे बिंदास, टेंशन में आप नहीं रहिए, सोचिए मत ज्यादा, सोचने से क्या होता है ना कि इंसान धीरे धीरे कमजोर होने लगता है, और आप हमारे भाई हो, आप हमको फॉलो करते हो, हम इतने स्ट्रांग है तो आप क्यों इतने कमजोर है, आप भी ठानिए ना, ठोकरे खाता हूँ परेशान से चलता हूँ, ठोकरे खाता हूँ परेशान से चलता हूँ, खुले आसमान में सीना तान के चलता हूँ, अरे मुश्किलें तो साध है जिंदगी की, आज गिरूंगा लेकिन कल जरूर उठूंगा, मैं अपने सीने में
ठान के चलता हूँ। तो जितने सारे भाई बहन देख रहे हैं वीडियो को, मैं आप सभी से बस यही कहूंगा कि जो लड़के फिजिकल के नजदीक आते हैं, लड़की आती है, तो वो बहुत सारे लोग सोचने की वजह से उनका बीपी लो होता है और साथ ही साथ बुखार भी हो जाता है। उनको लगता है कि यार हमको कोई ताकत नहीं मिल रही। यार ताकत तो तुमको उसी टाइम मिल जाएगी जब बस एक बात को याद करोगे, बस अपने मम्मी पापा को चेहरा को देखो। यही मौका है कि जब मेरा 689 में रिजल्ट हुआ है, जब हम मेरे गार्जियन मेरे पेरेंट्स बाहर खड़े रहते हैं, हर लड़का हर लड़की का सोचो कि जब इसमें वहां पे दो गेट है, एक मेन गेट से इंटर होता है, जब पास भी करिएगा तो यहीं से निकलेगा, एक दो नंबर गेट होता है जहां से फेल वाले कैंडिडेट निकलते हैं। सोचिए कि जब दो नंबर गेट से निकलेगा कैसे किसी गार्जियन को लगेगा, उसके भाई को क्या, सिर्फ वो आपको ऊपरी मन से साहस देते हैं ये सर इस बार नहीं तो अगली बार हो जाएगा। लेकिन सोचिए कि जब आप एक नंबर गेट से जाते हैं और सामने से गेट पास लेके आते हैं, तो पिताजी के चेहरे पे जो लाली रहती है, जो हंसी रहती है, भाई के चेहरे पे जो हंसी रहती है, माँ के चेहरे पे जो खुशी रहती है। यदि किसी के मम्मी पापा नहीं भी पहुंच पाते तो कोई तो साथी जरूर वहां रहता है, कोई ना कोई तो रहता है। सोचिए जैसे ही फोन आप करते हैं कितनी खुशी होती है, और खुशी के मारे आपके पिताजी के आपके माँ के आंखों में वो आंसू रहेगा। सोचिए वो कोई दुख का आंसू नहीं रहेगा बल्कि खुशी का आंसू रहेगा। तो आप एक बार सोचिए उस चीज को कि इसको अचीव करने के लिए आपके अंदर एक जोश, अपनी ताकत को पहचानिए। जिस प्रकार हनुमान जी के अंदर सारी शक्तियां विद्यमान होते हुए भी समुद्र मंथन करना पड़ा था राम जी को, लेकिन बाद में एक उसी में राम जी की ही सेना में एक आदमी का नाम था जिसका नाम था विभीषण, उसने बताया कि ये तो हनुमान के चुटकी का काम है। तब फिर श्री रामचंद्र जी ने पूछा कि पहले हनुमान क्यों नहीं बताया, क्योंकि उनको ये शराप मिल चुका था बचपन में ही उनके उत्पाती होने के वजह से, क्योंकि वो बंदर जात के थे, उनको ये शराप मिल गया था कि जब तुमको अपनी शक्तियों का जरूरत होगा आह्वान होगा तो तुम तब भूल जाओगे। तो मेरे भाइयों कहीं ना कहीं आप भी भूल रहे हो, आपके अंदर वो पावर है। जब इतना दौड़ते समय मेरा दो बात आज याद रखना, ये वीडियो बहुत आप लोगों के लिए जरूरी है। कोई आपसे आगे दौड़ता है इतना जरूर जान लो कि वो भी आपके साथ ही दौड़ने छूटा होगा, दौड़ने उसको भी 5 चक्कर दौड़ना है, आपको भी 5 चक्कर दौड़ना है, लड़की 3 चक्कर उसको भी 3 चक्कर। जब वो अपनी माँ की दूध पी के भाग रहा है तो हम कोई पानी पी के नहीं भाग रहे। यदि वो प्रैक्टिस ग्राउंड में किया है तो हम भी किए हैं। बस ये बात सोचोगे ना तो जो भी टाइमिंग आपका आता है ना वो आपका टाइमिंग रहेगा और उससे कम भी हो सकता है। दूसरा चीज, दौड़ते समय हमेशा एक चीज पॉजिटिव आपके माइंड में होना चाहिए। पॉजिटिव ये होना चाहिए कि हमेशा अपने अगले अभ्यर्थी को आप पकड़ने की कोशिश करो, काटने की कोशिश करो, ज्यादा किसी को फॉलो नहीं करो, नहीं तो ये 1 सेकंड में फेल होगा, तुम भी 2 सेकंड से फेल होगा। कोशिश करो काटने की, आगे निकलने की। और याद रखो यदि तुम बहुत कोशिश कर रहे हो किसी बैच में वो नहीं पकड़ा रहा है, नहीं कटा रहा है, एक बात याद रखना मेरा, तुमको भी पीछे से कोई नहीं काट पाए। यदि ऐसा होता है कि तुमको भी कोई पीछे से नहीं काट पाता है, बस यही चीज सोचना तो तुम सफल की श्रेणी में रहोगे। यदि तुमको कोई पीछे से काटता है इतना जरूर जानो, जो तुम दौड़ते हो प्रैक्टिस करते हो, मैं भी दौड़ता हूं तो मेरे को पता है इंसान का मनोबल जो है ना वो गिरता है। इसलिए कभी भी कोशिश करना है कि हमेशा अपने आगे वाले को काटेंगे, आगे बढ़ने की सोचना है। सीढ़ी दर अपने सफलता की ऊंचाइयों पर जाया जाता है। यदि आपको कोई फिर से ये काटने लगेगा मनोबल गिरते जाएगा और परफॉर्मेंस भी आपका डाउन हो जाएगा। इसलिए दो बातें मेरी याद रखना, एक दौड़ना तो बस ये सोच के दौड़ना कि जो सामने आगे कोई भाग रहा है काट रहा है तो वो अपनी माँ का दूध पी के दौड़ रहा है, तो हमारी माँ ने हमें पानी नहीं पिलाया है, वो भी दूध पिलाया है। दूसरा बात ये कि हम यदि सामने वाले यानी आगे वाले व्यक्ति को नहीं काट पाते हैं, थैले है वो भी खींच रहा है, वो भी अच्छा धावक है, हम भी है, हम भी प्रैक्टिस किए हैं, वो भी किया है, तो कोई बात नहीं, लेकिन पीछे से कोई माई का लाल ना काटे। बस ये बात याद रखिएगा, आपका सपना सच होगा। और कल तो आज भी कल भी बहुत बेहतरीन दिन है बहनों के लिए, रक्षाबंधन का दिन है, एक भाई के लिए और खुशी क्या हो सकता है कि जब उसकी बहनें सारी सफल हो जाती है। मिलेंगे नए वीडियो में, तब तक ढेरों सारी शुभकामना बधाई है, जय हिंद, वंदे मातरम।